गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। आत्माओं आप तो बालक हो, परमात्मा के जो प्रयत्न थे आज से सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक, ये दास उनमें से गुजरा है अब वर्तमान में। और दास को तो 20 वर्ष ही हुए हैं, 20 वर्ष में कितना संघर्ष देख लिया इस सच्चे ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए। 21 महीने जेल भी रहना पड़ा निर्दोष को, झूठे लोगों ने अफवाहें फैलाकर झूठे मुकदमे बनवा के। मेरे साथ आपके 30 40 50 60 भक्तों को भी यातना भुगतनी पड़ी आपके लिए, ताकि आप तक ये ज्ञान किसी तरह पहुंचे। और फिर भी गांव गांव में, नगर नगर में जो दास ने प्रचार किया, वहां कितना संघर्ष और कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी। 20 वर्ष से मैं परिचित हूं, और जो 120 वर्ष रहे उनके साथ के हुआ था। आपके लिए भटक रहे हैं वो आपके पिता हैं। और आपने काल की भांग पी रखी माया की, आपका यो नशा उतरता को ना, इस गंदे लोक में सड़न लग रहे हो और सब अपने आप में टीटी पा कर रहे हैं। थोड़ी सी पोस्ट मिल गई, कोई बन गया छोटा सा अधिकारी, ने सोचा बस हो गया सब कुछ, अब तो ये तेरी पिछली कमाई है 10-20-50 वर्ष की, और फिर आगे अगले अगले में क्या होगा तेरे साथ। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन भोरे कि तक कुरड़ी चढ़ने जाए। आपकी वहां बुद्धि नहीं जाती, भगवान की बुद्धि वहां जा रही है, आपको समझा रहे हैं। इसको जोर दे, इसके ऊपर कुछ विचार कर, विवेक कर, तेरा भविष्य सुधरेगा। इस जन्म में भी सुख तुझे, परलोक भी सुखी होगा तेरा। आपके लिए भटक रहे हैं भगवान। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड में यह भांग डाल रखी इस कुएं में, जिसने इसका जल पी रखा सब एक जैसी भाषा, एक जैसे विचार और एक जैसी गतिविधि रखते हैं। अभी सत्संग से, परमात्मा के इन विचारों से आपकी ये एंटीबायोटिक टेबलेट कैप्सूल है, ये खाने से आपकी भांग उतरेगी, आपका नशा उतरेगा, आपकी आत्मा तड़फ उठेगी। अरे तेरा गजब जुल्म कर रहे हैं हम अपना हित भी नहीं देख रहे, पर हित की तो बात बहुत दूर है। जब हम अपना हित देखेंगे तब हम परहित भी कर सकते हैं, जब तक हम अपना हित नहीं देख सकते तो हम परहित नहीं कर सकते थे, कितनी बात बना ली। आज आप देख रहे हो जिन आपके भाई बहनों ने अपना हित देखा कि हम कल्याण करवाएं, अपना भक्ति करें और उनके घरों में कितना सुख, और फिर वो परहित कर रहे हैं। यहां देखो आप आते हो, आपके लिए बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, बनी बनाई रोटियां मिलती हैं, चाय तैयार मिलती है, प्रसाद तैयार मिलता है, हलवा तैयार मिलता है, खीर तैयार मिलती है। ये परमार्थ करना सीखेगा जिसने अपना हित सोच लिया कि मेरा हित इसमें है। अपने पेट के लिए तो हमारे दादे पड़दादे मर गए, 100-100 वर्ष धक्के खा के भटक के यो पेट पूरा ना होया। और जब हम परमार्थ करेंगे जब देखना, अपना भी हित होगा और पूरे विश्व का भी हित इसी में होगा। सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888-0541।